गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े अब 50 के नीचे आ रहे हैं। शनिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 37 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति और 71 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। इसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,277 पहुँच गया है। इनमें 18,451 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 314 है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 512 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। एंटीजन और RT-PCR की जांच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड के मौसम में कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की आशंका बन रही है, ऐसे में लोगों को बताई गई सावधानियों को बरतने की जरूरत है। शनिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 7 मरीज शामिल है। इसके अलावा शाहपुर में 4, तिवारीपुर में 2 और कोतवाली थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 18 नए मरीज मिले हैं। इनमें गोला, उरवा, गगहा और सजनवा में 1-1, भटहाट में 3, खोराबार में 6 और चरगावा में 5 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 5 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।